हेलो दोस्त, एक खुशखबरी हमारे पास पहले ही आ चुका है कि ग्रुप डी का एग्जामिनेशन 17 सितंबर से शुरुआत होगा। ये पहला एग्जाम है, इसके बाद से आगे का होगा। तो कई लोगों का बहुत सारा कमेंट आया कि आप कट ऑफ के बारे में बताइए, 2013 का कट ऑफ क्या था और 2018 में क्या हो सकता है, क्या वैकेंसी है और कैसे सारे शेड्यूल का एनालिसिस करना है, वैकेंसी कैसे एनालिसिस होगा। तो चलिए, यहाँ पे थोड़ी सी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में क्या क्या है टॉपिक। तो 2013 का आरआरबी का कट वैकेंसी हम बताएंगे कि कितना कितना कहाँ के थे। उसके बाद 2018 में की कौन सी बोर्ड की कितनी वैकेंसी है आरआरबी का। उसके बाद कट ऑफ मार्क्स की बात करेंगे, 2018 में क्या, 2013 यहाँ रखते हैं, 2013 में क्या था कुछ बोर्डों का। मैं यहाँ पे आपको करीब 16 में से करीब 5-7 बोर्डों का बता पाऊंगा क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल है। तो उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना चाहेंगे आपको वैकेंसी के अनुसार, क्योंकि अभी कट ऑफ के लिए एग्जाम का हमें इंतजार करना चाहिए, बिना एग्जाम के कट ऑफ निकालना मुश्किल है। और फिर भी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसलिए जा सकते हैं कि वैकेंसी इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उसके अनुसार चलेंगे। और उसके बाद पे फिजिकल टेस्ट में क्या होगा और उसके लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा, कॉल किया जाएगा, उसके बारे में रिगार्डिंग बात करेंगे। और एक छठा यहाँ पे प्रश्न हमारे पास एक और आया है, किस आरआरबी में वैकेंसी नहीं है। कुछ ऐसे वैकेंसी इस बार हैं जिसमें वैकेंसी नील है, जीरो है और पहले भी जीरो हुआ करता है, तो इसको कहाँ एडजस्ट करेगा रेलवे, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए, यहाँ एक अटेंशन है, सबके लिए ध्यान देने वाले बात है और डिस्क्लेमर भी कह सकते हैं, मेरा उद्देश्य नहीं है यहाँ पे कट ऑफ बनाना, क्योंकि जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाएगा वहाँ तक कट ऑफ आपको बनाना मुश्किल है। और कट ऑफ से ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए अपने स्टडी पे। जितना हम अच्छे से स्टडी करेंगे कट ऑफ हम ही बनाएंगे, जितना अच्छे से हम मार्क्स लाएंगे वही कट ऑफ होगा, अगर हम कम मार्क्स लाते हैं तो कम कट ऑफ होगा। तो इसलिए कट ऑफ एक आप रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन कट ऑफ ही सारी कंडीशन नहीं होती किसी भी एग्जाम। तो यहाँ पे समझ ही गए होंगे कट ऑफ के बारे में। दूसरा हमारा यहाँ पे अटेंशन था आरआरबी दिल्ली। बहुत सारे वीडियो मैंने देखा है, कम से कम जिनके चैनल पे 13 लाख सब्सक्राइबर है वो भी बात करते हैं आरआरबी दिल्ली। तो मैं एक बार बताना चाहूँगा, आरआरबी दिल्ली है ही नहीं, तो आरआरबी दिल्ली की बात कैसे कर सकते हैं। हो सकता है आरआरसी हो सकता है, ये रीजन का है, तो आरआरसी भी दिल्ली रीजन नहीं है, इनका मुख्यालय भी नहीं है। तो उसके लिए मैं एक बार नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ आपको आरआरसी का। तो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं दिल्ली का कोई बोर्ड में नहीं है, यहाँ दिल्ली आपको इस एरिया में पड़ता है, तो आप कोई नहीं बता सकता है कि दिल्ली का आरआरसी है। या तो नॉर्दर्न रेलवे इसका एग्जामिनेशन लेता है या एनसीआर लेता है, यानी चंडीगढ़ में भी हो सकता है, आपका इलाहाबाद में भी हो सकता है और जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ी यहाँ कन्फ्यूजन आप क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद तीसरा है वैकेंसी। वैकेंसी अभी बढ़ भी सकती है, घटना तो मुश्किल है लेकिन बढ़ सकती है, अभी एग्जैक्ट नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो हमारा जो भी कैलकुलेशन है, जो अभी प्रेजेंट वैकेंसी है 2/2018, उसके बारे में हम आपको यहाँ बताएंगे। तो चलिए, वीडियो में बने रहिए। रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइफ एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। अभी हम रेलवे की अध्ययन करते हैं थोड़ा सा, कितने बोर्ड है। तो यहाँ सीरियल नंबर है, यहाँ आरआरबी है, उसके साथ सभी बोर्डों का इंडिकेशन है। ये WR मेन इंपॉर्टेंट होता है, आरआरबी केवल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, जो आपका नीचे में दिया हुआ है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में आपको प्रेजेंट नॉलेज होना चाहिए। तो W रेलवे में अगर दिखाते हैं कि पश्चिम रेलवे अहमदाबाद होता है, तो इसमें आपका मुख्यालय हो सकता है इसका, इस WR का मुंबई है। तो यहाँ कंफ्यूज आप नहीं होइएगा, आपको एग्जामिनेशन पे ही कंसल्ट करना है कि एग्जामिनेशन अभी आरआरबी अहमदाबाद ले रहा है, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा उसमें इस अहमदाबाद बदल के हो सकता है मुंबई, आपको पीटी वगैरह के जितने ऑप्शन होंगे वो मुंबई में जाना पड़ेगा। उसी तरह सभी बोर्डों का अलग अलग होता है। तो यहाँ बोर्ड की बात करेंगे तो अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़,
गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और त्रिवेंद्रम है, यानी टोटल 21 बोर्ड रेलवे का भी प्रेजेंट है। लेकिन 21 में से अभी इस वैकेंसी में 5 में कोई वैकेंसी नहीं है, तो वो बोर्ड आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। सबसे पहले पहला बोर्ड है त्रिवेंद्रम, दूसरा है सिलीगुड़ी, उसके बाद तीसरा बोर्ड है मुजफ्फरपुर, ध्यान से देखते जाइएगा, चौथा बोर्ड है मालदा और पांचवा बोर्ड है जम्मू। तो ध्यान दीजिए, ये पांचों बोर्ड का कैंडिडेट किसी न किसी से कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो मैं आपको बताने देना चाहता हूँ, पहले जम्मू जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू की वैकेंसी चंडीगढ़ में कॉम्बाइंड है, देख लीजिएगा नॉर्दर्न रेलवे में, आप मैप में या कहीं भी मिलेगा। तो जम्मू एंड कश्मीर आपका चंडीगढ़ के साथ कॉम्बाइंड है, पहला मैं बता दिया। मुजफ्फरपुर की बात करेंगे, मुजफ्फरपुर की वैकेंसी पटना में आती है और ये ECR है, ईस्ट पूर्व मध्य रेलवे इसको बोलते हैं, और ये पूर्व मध्य रेलवे का बोर्ड मुख्यालय आपको हाजीपुर मालूम है, तो ये दोनों एक में कम्बाइंड है। सिलीगुड़ी आपका बंगाल एरिया में पड़ता है, तो हो सकता है ये कोलकाता के साथ भी कम्बाइंड हो सकता है, कोलकाता के साथ भी कम्बाइंड हो सकता है, या साथ में आपका रांची ECR में भी कम्बाइंड हो सकता है, रांची वाले सेक्शन में। तो ये ध्यान आपको दे देना है कि सिलीगुड़ी भी आपका अलग है। त्रिवेंद्रम आपका चेन्नई या बंगलोर से दोनों में कम्बाइंड हो सकता है वैकेंसी, आप देख सकते हैं, या तो चेन्नई में कम्बाइंड हो जाएगा 2000 इसमें, तो चेन्नई की इस बार की वैकेंसी कम है, यानी चेन्नई में वो कम्बाइंड नहीं है। उसके साथ आपका एक बंगलोर है, बंगलोर की वैकेंसी भी करीब करीब उतना ही है, तो उसी के हिसाब से हो सकता है कि बंगलोर में कम्बाइंड हो त्रिवेंद्रम का। उसके बाद अगली एक बोर्ड थी हमारे पास जिसमें वैकेंसी नहीं था, मालदा। मालदा गोरखपुर के साथ हो सकता है या किसी और बोर्ड के साथ कम्बाइंड हो सकता है, तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना चाहिए। तो चलिए अब कटअप की बात करेंगे। हमारा जो वैकेंसी का था पॉइंट, ये 4 पॉइंट हो चुके हैं, ये हमारा पेट का नहीं हुआ है, RRB का हो चुका है, जिसमें 5 की वैकेंसी नहीं आई है। तो अब बात करते हैं वैकेंसी वाइज 2013 और 2018 की। तो यहाँ पे देखिए, अहमदाबाद की 2013 में वैकेंसी थी 5775 और इस बार है 6087, तो देख सकते हैं अहमदाबाद में वैकेंसी इंक्रीज कर रहा है। और कटअप 2013 का 61.15 था, तो हो सकता है कि ये कटअप आपका इस बार, मैं एक्सपेक्टेड आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं बढ़ी है, और एग्जामिनेशन का गेट थोड़ी सी बढ़ गई है। और इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कई लोग कहते हैं कि टोटल वैकेंसी के बारे में पहले बता दीजिए, तो टोटल वैकेंसी कितनी है 62,907, और PT में 2 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2 गुना को बुलाया जाएगा, तो ये संख्या 3,000 अगर इसे मान ले, तो ये 60 दूना 120, 1,24,000 कैंडिडेट रिटेन में क्वालिफाई करेंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान दे दीजिएगा, इतने लोग को जाना है एग्जामिनेशन में। और पिछली वैकेंसी थी 49,118, ऐसे हो रहा है, लेकिन कहने के अनुसार 45,000 या 50,000, कोई लोग बोलता 50,104 या 105 वैकेंसी थी, लेकिन मैंने बोर्ड वाइज कैलकुलेट किया, उसमें 49,118 हुआ। तो हो सकता है वैकेंसी थोड़ी बहुत डिक्रीज और इंक्रीज हो सकता है किसी बोर्ड में। तो चलिए यहाँ पे अजमेर की बात करेंगे, पहले अहमदाबाद का क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ कटअप आप देख सकते हैं 61.25 था, एक्सपेक्टेड कटअप हमारा यहाँ पे रहेगा 59 to 67। 59 इसलिए क्योंकि कितने कैंडिडेट यहाँ पे भरे हैं हमें पता नहीं है, और 67 इसलिए ज़्यादा मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये 4 साल का गैप है 2013-14 के एग्जामिनेशन में, तो ये 4 ईयर में नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ जाएंगे, ये क्लियर है। उसके बाद अजमेर की बात करेंगे, तो हमारे पास कटअप नहीं था, और इस बार यहाँ के कटअप एकदम बिल्कुल अच्छा आने वाला है, 60 से 70 या 71-72 के बीच में। और अगर आपको लगता है कि एक्सपेक्टेड कटअप कोई चेंज है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये बिल्कुल प्योरली अनुमानता है, और हो सकता है मैं यहाँ गलत हूँ और आपको इससे ज़्यादा नॉलेज हो तो जरूर कर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। उसके बाद अहमदाबाद में देखिए, वैकेंसी करीब करीब 2 गुना बढ़ गई है। पिछली बार वैकेंसी का कटअप 84 चला गया था इलाहाबाद का कारण, सॉरी
इलाहाबाद का, और ये हमेशा कट ऑफ हाई जाता है, तो यहाँ पे आप कट ऑफ रख सकते हैं 75 से 80 के बीच में कट ऑफ ये आ सकता है आपका फिजिकल एजुकेशन फिजिकल टेस्ट के लिए। उसके बाद बंगलोर में बात करेंगे तो पिछली बार 1299 वैकेंसी थी, इस बार 2200 है, ये भी लगभग लगभग दुगना है। और ये अनऑफिशियल न्यूज के अनुसार यहाँ का कट ऑफ 60 था, मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये 60 था या नहीं था, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का यहाँ पे रहेगा 65-70, बस इससे ज़्यादा यहाँ का कट ऑफ नहीं जाता बंगलोर का, क्योंकि साउथ में जो भी पेपर देने जाते हैं नॉर्थ से ज़्यादा लोग जाते हैं, वहाँ का कैंडिडेट रेशियो में कम होते हैं। उसके बाद भोपाल, ये भी इम्पोर्टेंट बोर्ड है, और यहाँ वैकेंसी पिछले बार के अनुसार से घट गई है, 4517 वैकेंसी थी और इस बार 3522 वैकेंसी है, पिछली बार कट ऑफ 65 गया था, तो यहाँ पे कट ऑफ का मान सकते हैं 72 से 80 के बीच में आ सकता है इस बार, क्योंकि वैकेंसी पिछले के रेशियो में बहुत कम हो चुका है। उसके बाद अगले भुवनेश्वर की बात करेंगे तो भुवनेश्वर पिछली बार भी मॉडरेट कट ऑफ गया था और इस बार वैकेंसी थोड़ी कम गई है और कैंडिडेट ज़्यादा अप्लाई किए होंगे श्योर है, तो ये भी वैकेंसी आपका 65 से आपका 70 के बीच में कट ऑफ जाएगा, क्योंकि एक श्योर नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं है, एक्सपेक्टेड है पूरी तरह से, तो ये देख सकते हैं। उसके बाद बिलासपुर, बिलासपुर में वैकेंसी देख सकते हैं पिछली वैकेंसी से कम है, यानी यहाँ पे वैकेंसी डिक्रीज कर रही है और कट ऑफ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर इतनी कम वैकेंसी है और सब कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ आएगी, और ये सारे कट ऑफ मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी का इससे लोअर होगा या इसके समथिंग होगा, सारा एक कट ऑफ जनरल का है, और यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं बिलासपुर का, तो यहाँ भी एवरेज ही बोर्ड है, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता, ये भी ध्यान दीजिएगा, तो ये भी आप भुवनेश्वर के समथिंग में रख सकते हैं 65 से 70 में। उसके बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ का ये वैकेंसी 64 दिखाया गया है, इसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि चंडीगढ़ में दो टाइप के कट ऑफ आती है, एक आपका आता है जम्मू का, आपने वैकेंसी में मैंने दिखा रखा था, आप देख रखे होंगे कि जम्मू का कोई वैकेंसी इस बार भी नहीं है, पिछली बार भी नहीं थी, तो ये वैकेंसी इसी में इंक्लूडेड है, नॉर्दर्न रेलवे का भी पूरी से, तो जम्मू वाले का कटअप यहाँ करीब करीब 50 से 55 जाएगा, और दिल्ली वाला का जाएगा आपका 80 से 82 के आसपास, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली वाले रीजन में कंपटीशन ज़्यादा रहता है, काफ़ी लोग प्रिपेयर करते हैं सेंट्रल एरिया में और यहाँ कम प्रिपेयर करते हैं, तो ये दोनों को मिला के लगभग ये 64 दिखाया हुआ है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। उसके बाद चेन्नई, गुड बोर्ड है, सिलेक्शन करवाना है तो आप चेन्नई जाइए, 66 हुआ था जब इतनी वैकेंसी थी, और इसमें शायद त्रिवेंद्रम का वैकेंसी कॉम्बाइंड था, इस बार वैकेंसी कम हो गई है, तो श्योर सी बात है कटअप यहाँ फिर से बढ़ने वाला है, तो यहाँ भी 70 से 75 के बीच में कटअप का अनुमान है, और हो सकता है ये एग्जाम में कितने कैंडिडेट है उसके बाद चेंज भी हो सकता है। उसके बाद गोरखपुर, सिंपल सी बोर्ड है, वैकेंसी 3 गुना, लगभग 3 गुना नहीं, 2 प्लस कुछ बढ़ रहा है यहाँ पे, तो देख सकते हैं 67 हुआ था, तो यहाँ भी वैकेंसी के कटअप के अनुसार एक 70 के आसपास आएगा, 70 से 75 के समथिंग रहेगा, और अगर एग्जाम सीबीटी का कठिन हुआ तो ये कम भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा सीबीटी में थोड़ी सी इस बार प्रॉब्लम आने वाली है, तो ये कटअप 70 से कम भी आ सकता है, और बाद में लोग कहते हैं कि ये कटअप कम क्यों हुआ, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कटअप 3 टाइप से डिपेंड करता है, आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई, नंबर ऑफ वैकेंसी, और एग्जामिनेशन का पैटर्न और क्वेश्चन लेवल। जैसा सीबीटी है तो सीबीटी 1 में आपको पता ही है कई लोग पूरे प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से कटअप कम होती है, और जो हार्ड पेपर होता था वहाँ पे आपको एक बार में 5 से 10 प्रश्न देख सकते थे, और यहाँ पे एक टाइम में एक ही प्रश्न देख सकते हैं, इसलिए भी यहाँ कटअप कम हो सकता है। उसके बाद अगला बोर्ड था गुवाहाटी, नॉर्थ फ्रंटियर रेल, बिल्कुल सिंपल सी बोर्ड है, 1230 वैकेंसी में 50 कटअप आई थी और इस बार 2577 वैकेंसी है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल कटअप आप इसमें बढ़ने की उम्मीद नहीं है, मेरा अनुमान रहेगा 50 से 60 के बीच में, आप इसमें जो अप्लाई किए हैं अभी भी पॉसिबिलिटी है कि आपका जॉब
श्योर है अगर अच्छे से आप पढ़ाई करते हैं। जम्मू में आपको वैकेंसी नहीं है तो कटअप की बात थी हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये जम्मू डायरेक्ट नहीं है लेकिन हमारा चंडीगढ़ में इंक्लूड है, तो चंडीगढ़ में हमने बात कर लिया था 50 से 55 जाएगी जम्मू की और 80 से 82 जाएगी आपका दूसरे वाले दिल्ली वाले रीजन का। कोलकाता सेंट्रल पूर्व रेलवे आता है, दो बोर्ड है लेकिन ये पूर्व रेलवे की बात हो रहा है। दूसरा जो बोर्ड है वो रांची में इंक्लूड है, ध्यान दीजिएगा। ये दूसरा एक इसका मुख्यालय कोलकाता में ही है, साउथ ईस्ट रेलवे दक्षिण पूर्व रेलवे का भी मुख्यालय कोलकाता है, लेकिन इस बार रांची में वैकेंसी है, ध्यान दीजिएगा। दोनों अलग हो जाता है तो कोलकाता की पोस्ट की संख्या कम हो रही है, और 172 पिछली बार गया था तो यहाँ भी आप मान सकते हैं 75 से 82 ये कट ऑफ रहेगा, इसके बीच में रहेगा, हो सकता है आगे पीछे हो। उसके बाद मालदा में कोई वैकेंसी नहीं है तो मालदा के लिए आपको गोरखपुर से ही टाई होगा शायद, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे NER में ही मालदा आ सकता है, तो मालदा आप देख सकते हैं इस एरिया में आता है कहीं पे, तो गोरखपुर से हो सकता है, या आपका हाजीपुर भी ले सकता है, ECR भी ले सकता है, एग्जैक्ट पता नहीं चलता, लेकिन इसकी हम बात नहीं करेंगे जो ऑफिशियल हमारे पास नहीं है। उसके बाद मुंबई सेंट्रल रेलवे, यहाँ भी कट ऑफ मॉडरेट से हाई की ओर जाता है, तो पिछली बार का कट ऑफ 61 था जनरल कैटेगरी के लिए, सब जगह जनरल की ही बात कर रहे हैं हम, OBC वगैरह का इतनी सारे बोर्डों का एक साथ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कट ऑफ आपको देख सकते हैं, आपको जब मुंबई में होगा तो यहाँ भी आपका 65 से 72, 75 मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुंबई में सभी लोग प्रिफेयर ग्रुप डी का जॉब नहीं करते, क्योंकि इतनी कम सैलरी में मुंबई में के एरिया में रहना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए लोग प्रिपेयर नहीं करते। उसके बाद मुजफ्फरपुर की बात कर लेते हैं, तो हम पटना में ही इसको डिस्कस कर लेंगे। पटना में 84.20 और यहाँ भी आपका 80 से एबव रहेगा, ध्यान दीजिएगा कट ऑफ 80 से एबव रहेगा, क्योंकि मोस्ट प्रिफेयर लोग करते हैं ये वाला नॉर्दर्न रीजन के, दिल्ली वाला ये वाला और इलाहाबाद का, तो यहाँ आपका 80 से एबव कट ऑफ जाएगा। रांची भी ठीक ठाक है, आप पोस्ट के अनुसार रांची का देख सकते हैं, पोस्ट कम हो रहा है और मेरे पास कटअप नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे रांची पे आपको बता सकता हूँ कि 70 से 80 के बीच में कहीं कटअप लाई करेगा, यहाँ भी कुछ लोग चॉइस करते हैं। उसके बाद सिकंदराबाद, पिछली बार कटअप हाई चली गई थी क्योंकि वैकेंसी बहुत कम था, ध्यान दीजिए वैकेंसी कम थी और यहाँ पे वैकेंसी बढ़ गई है, तो ये भी आपका 70 से 80 के बीच में बैठो, 80 के बीच में रहेगा। उसके बाद आपका कटअप सिलीगुड़ी और तेलुगु त्रिवेंद्रम का लगभग एवरेज ही रहेगा, तो ये पैटर्न